ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ऑक्सीजन से लैस मुक्त ऑटो सेवा की शुरुआत की है। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने गोमती नगर पार्टी दफ्तर से 5 ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो सेवा की शुरुआत की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 5 ऑटो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑटो ड्राइवर और हेल्पर पीपीई किट के साथ में ऑटो में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि निःशुल्क मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने का काम ये ऑटो करेंगी। यही नहीं, इस पर एक टोल फ्री नंबर जो कि 9818430043 है उसको भी जारी किया गया है। इससे ऑटो को बुक करवाया जा सकता है और कोरोना मरीज इसकी सेवा ले सकते हैं। वहीं पर यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली के बाद यूपी के कई जिलों में ये सेवा चल रही है। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि योगी सरकार सारे दावे जो करती है वो खोखले हैं, कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। देखिए, इसमें जो हमारे चालक हैं वो पीपीई किट पहनकर, उनके पास सैनिटाइजर होगा, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, और आज हम लोगों ने 5 ऑटो की सेवा शुरू की है मुफ्त ऑक्सीजन युक्त, ये सारे शुरू होंगे। और इसमें ऐसे लोग जो 85 से लेकर 90 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल है, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में या घर से हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने सेवा शुरू की, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि 15,000-20,000 मनमाने तरीके से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ऐसी ही सेवा हम लोगों ने प्रयागराज में, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, वाराणसी में शुरू की है और इसको आगे और हम लोग बढ़ाएं। सचिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बरकरार है, लेकिन एक पहल की गई है, छोटी ही पहल लेकिन की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ऑटो रिक्शा चलाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी तो मरीज इससे आ जा सकेंगे। क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने ऑटो चलाए गए हैं और इनके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो आम आदमी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती। जी मानशु, साफ तौर पे दिल्ली की तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, और जिसमें कि वो फुली इक्विप्ड होगी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा। साफ तौर पे जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में स्थितियां भयावह बनी हुई थी, मेडिकल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, और जो ऑक्सीजन की कमी थी काफी दिनों से, अभी भी अगर बात करें तो कहीं बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है और बेड की कमी है और साथ में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से लगातार जो है जो COVID-19 के मरीज हैं वो उनकी मृत्यु हो रही है, और लगातार जो है शमशान घाटों पे लगातार शवों के कतार लग रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी की ये पहल कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है, और आने वाले समय में अगर और भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो लगातार जो है क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी जो ऑटो एम्बुलेंस है वो मुहैया कराएगी। जी मानशु। सचिन, ये जो ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, सरकार का इसमें सहयोग है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्राइवेट ही इसको चालू किया गया है? नहीं, बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी की अपनी पहल है, अहम पहल है। जैसे जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑटो एम्बुलेंस की जो सेवा है शुरू की है, उसी तरीके से जो यहाँ संजय सिंह है जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपनी अपने ही रिसोर्सेज, अपने ही पैसे, अपने ही फाइनेंस से इस चीज को, जो ऑटो एम्बुलेंस है इसको शुरू किया है। जी मानशु, ये जो ऑटो एम्बुलेंस की सुविधा है इसको जो जरूरतमंद लोग हैं, मरीज हैं, वो किस तरह से ले सकते हैं? क्या उनको नंबर पर फोन करना होगा, उसके बाद उनको ये ऑटो मिल पाएगी, या फिर किस तरह से वो इसका उपयोग कर पाएंगे? जी मानशु, साफ तौर पे जो टोल फ्री नंबर है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही कोई भी व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पे जाएगा और मदद मांगेगा तो उसकी पूर्णतः मदद की जाएगी। उसे जो भी कोविड या नॉन कोविड मेडिकल रिसोर्सेज चाहिए ऐसी गंभीर सिचुएशन में, तो वो उसको जो तमाम जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो उस जो मददगार आया है, जो 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 मदद मांगने के लिए आया है, उसको ये मुहैया
कराया जाएगा आम आदमी पार्टी द्वारा। जी जी मानसू, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल के लिए जो ऑटो चालू किए गए हैं उनकी संख्या क्या है और क्या आने वाले भविष्य में उनकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी क्या, ऐसा भी कुछ कहा? जी मानसू, मीडिया कवरेज के लिए जब बुलाया गया था तो पूरी अगर मैं बात करूं तो अभी 5 से 6 एम्बुलेंस इस तरीके के शुरू किए गए हैं। और जब इस विषय को लेकर संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से लोगों की नीड होगी, जिस हिसाब से लोग मदद मांगेंगे, तो और भी जो ऑटो एम्बुलेंस की सेवा है उसको बढ़ाया भी जाएगा। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऑक्सीजन से लैस ये ऑटो सेवा में लगेंगे और मुफ्त की सेवा देंगे। जो भी मरीज हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या फिर घर से हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल से उनको घर वापस जाना है तो ये सुविधा उनके लिए रहेगी। और ऐसे में इसमें जो ड्राइवर रहेगा या फिर जो हेल्पर रहेगा वो पीपीई किट पहने रहेगा, अपनी पूरी सुरक्षा करता रहेगा, उसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होगा और साथ ही साथ उसके पास सैनिटाइजर भी होगा। तो एक ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, 4-5 ऑटो ऐसे चलाए गए हैं और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत है तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक फॉर नजर होता है।